कि आपकी स्टोरीज जाती हैं लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पे उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, और इस के खिलाफ जो है हम मीडिया से जो मालकान हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और एहतजाज भी करते हैं कि ये अवाम का हक है कि अपने वो जो महबूब सियासी रहनुमा की जेल से होने वाली जो गुफ्तगू है उसको सुन पाएँ। आज हमारा जो आपके सामने आने की एक वजह ये भी है क्योंकि वो पाबंदियों का शिकार कर दी गई, तो आज फिर मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ वो बात करूं जो कि खान साहब ने अंदर भी की है, तो आपके साथ वो शेयर करूं। आज रिपोर्टर्स के साथ खान साहब ने बात की दो पिछली तारीखों के ऊपर, क्योंकि समाअत बहुत मुख्तसर थी लिहाजा वहाँ पर सैर हासिल बात भी नहीं हो सकी, और खान साहब ने ये कहा कि उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पर मीडिया आया है क्योंकि वो इतनी जल्दी में समाअत हुई और ख़त्म हो गई। आज मीडिया से बात करते हुए वहाँ पे खान साहब ने जो कहा है उसमें सबसे पहले बात तो उन्होंने ये कहा जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हैं और जो उनके साथ हुआ, जो इंतज़ार पंजोथा की गुमशुदगी है, जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ है, उसके लिए सलमान अकरम राय साहब को ये हदायत जो है ऑलरेडी जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएँ और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीज़ें जजेस के सामने रखें कि जो ये कानून की आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, अवाम के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, इसको जो है वो अदालत सामने रखे और अदालत जो है इसके ऊपर नोटिस ले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवाम के बुनियादी हकूक की मुहाफिज अदालत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है जजिस के से कि वो अवाम के इस मामले के ऊपर जो है जो उनके साथ जुल्म सतम हुआ, जो उनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई, इस पर वो नोटिस लेंगे। इसके साथ साथ खान साहब ने चाइना पे और जो इस वक्त फ्यूड हुआ है उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार एक नालायक आदमी है और उनको ये बाजवा साहब की टीम है जो कि लाई गई है, और ये उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की जो है वो निशानदेही भी की और इसको सेकेंड किया कि बाजवा साहब ने ये टीम लाए, और ये नालायकों की टीम पाकिस्तान में जब से आई है तो पाकिस्तान को फौरन महाज पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जब तालिबान में हमारी फ्रेंडली हुकूमत आई, पहले जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत नहीं थी, तो उसके बावजूद वो कभी अफगानिस्तान नहीं गए, और ये जो पाकिस्तान की आइसोलेशन है ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी चाइनीज़ के साथ जो उन्होंने ये मामला रिसेंट लिया है, उन्होंने कहा कि ये इनकॉम्पिटेंट, इनसे इनकॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि चाइना जैसे जो अजीम दोस्त है उसको भी ये मामला दुरुस्त नहीं कर रहे, और ये जिस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं इस पर खान साहब ने तहफ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ खान साहब ने अपने उस अज़म का दोबारा जो है उसको दोहराया कि जो हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी यानी रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ इन्होंने सलूक रवा रखा वो उनको ब्रेक करने की कोशिश थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुए और ना ही वो ब्रेक होंगे, वो अनडेटेड हैं, और इस अपना रिजॉल्व जो है, जो अपनी कमिटमेंट है उनकी, इनके साथ वो बिल्कुल जारी रहेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज का जो तरीक़ेकार है वो जो है उसको जारी और सारी रखेगी। हम ये आइनी तरमीम बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम मुल्क में निज़ाम इंसाफ पर हमला है, लोगों के बुनियादी हकूक पे हमला है, लिहाजा इसको तस्लीम करने का जो है कोई जवाब नहीं पैदा होता। उसके साथ साथ आज खान साहब ने इंतज़ार पंजोथा साहब की गुमशुदगी के बारे में बहुत तहफ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इतने दिन गुजर गए हैं, वो फोकल पर्सन थे और वो लीगल मैटर्स को काफ़ी को वही देखते थे, और उनकी एब्सेंस में लीगल टीम जो है उसको जो नई लीगल टीम, क्योंकि आज तोशाखाना जो 2 केस है उसमें चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा गया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन दी कि ये तो केस ही नहीं है, तो ये मेरिटलेस केस है, इस पर चार्ज फ्रेम करने से पहले जो है चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, इसके मेरिट पूरे नहीं है, लिहाजा वो ट्यूसडे को चली गई है, उसकी समाअत आज जो है वो फर्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी। और आज बीबी साहब भी पेश हुई और खान साहब भी पेश हुए और मीडिया से उनकी जो टॉक थी। हाँ, और उसके साथ साथ मैं एक बात वाजे करता चलूँ, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पर ये कहा गया शायद कुछ बैरूनी ममालिक से आने वाले जो लोग हैं वो खान साहब से मिलने आए थे, तो उसकी वजाहत मैं कर दूं कि यहाँ पे जो फॉरेन काउंसलर होते हैं, फॉरेन जो सिटीज़न हैं वो जब गिरफ्तार होते हैं तो उनको अपने काउंसलर एक्सेस दी जाती है हर एम्बेसी की, तो यहाँ पे आए रोज़ जो है कोई ना कोई एम्बेसी की गाड़ी आती है और अपने लोगों से, शहरियों से मिलती है। कोई भी एम्बेसी की गाड़ी आती है उसका ये मतलब नहीं है कि इधर सिर्फ वो खान साहब से मुलाकात करें, उनकी ना मुलाकात किसी से हुई है
ना ही ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एम्बेसी के कौंसलर कार जो कौंसलर एक्सेस होती है वो सिर्फ अपने जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं उनकी हद तक होती है और उन्हीं के लिए होती है, और उसमें किसी किस्म का कोई डील का शायबा जो है वो नहीं जो है वो होना चाहिए। ये बात आज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूँ। इसके साथ साथ मईशत के ऊपर जो खान साहब ने कहा है कि मईशत पे जो एक इनकी फिर इनकॉम्पिटेंसी सामने आ रही है कि इन्होंने जो है जब से ये आए हैं पीडीएम हुकूमत जब आई, जब बाजवा साहब ने हमारा चलता हुआ मुल्क जो है इनके हवाले किया और इन्होंने उस पर बर्बादी उतार दी। आज जो इतना ज़्यादा डेफिसिट आ रहा है, IMF के प्रोग्राम के अहदाफ भी नहीं मिल रहे हैं और वो जो हैं उनको अचीव करने में भी टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनकी नाहलियत है। और ये नाहल हुकूमत जब तक जो है मुसलत रहेगी तब तक जो है ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान सिर्फ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तहत आएगा। खान साहब ये बारहा बात कर चुके हैं कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ हो। अब भी आप देखिए कि ये जो खान साहब की आज की गुफ्तगू है ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो ऑल एंड सेंडरी हमारे वर्कर्स भी हैं उनके सामने ये पैगाम पहुंचे। और इसके साथ साथ खान साहब को पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलने दिया गया इन स्पाइट ऑफ दैट के जो हाई कोर्ट ने उस रूल को कालेदम करार दिया और कहा कि एफिडेविट दीजिए कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। खान साहब ने ये कहा कि अगर वो मेरे साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हम क्या एक दूसरे का मौसम का हाल तो पूछेंगे नहीं। तो जाहिर है मैं चेयरमैन हूँ और ये लोग अगर आते हैं मेरे से मुलाकात करते हैं तो फिर यही गुफ्तगू जो है वो मेरे साथ करेंगे, इसके अलावा क्या गुफ्तगू हो सकती है। और ये मुसलसल छठा आठवां हफ्ता है, बल्कि एक महीना ये और पहले कि उनकी मीटिंग्स नहीं होने जा रही और इस पर उन्होंने हदायत की है लीगल टीम जो है वो नेक्स्ट वीक में जो कंटेंप्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनकी बच्चों से बात नहीं कराई गई, उनका ये मुलाकात नहीं कराई गई, लॉयर्स का एक्सेस ड्रॉप की गई जो उनकी जेल फैसिलिटीज़ हैं। अखबार का उन्होंने स्पेशली जिक्र किया कि अखबार उन तक नहीं पहुँचाए जाते जो वो चाहते हैं, वो अखबार और TV के जो चैनल हैं दो इंडिपेंडेंट चैनल जो हैं वो भी बंद कर दिए गए, सिर्फ PTV उनको दिखाया जाता है जो कि बजाते खुद एक सज़ा है, तो PTV तो देखते नहीं है, तो इंडिपेंडेंट चैनल सब के एक्सेस जो है वो रोकी गई है और जेल मैनुअल की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है, सिरेहन खिलाफ वर्जी हो रही है। और आज इसके साथ साथ मैं आखिर में इंतजार और पंजोता साहब की हमें शिद्दत से इंतज़ार है, मैं अटॉर्नी जनरल साहब को आपके तवसत से मुखातिब करके कहना चाह रहा हूँ कि सर आपकी जो डेडलाइन है वो भी क्रॉस हो गई है, मुझे आपसे ये इस्तदा करनी पड़ी है मीडिया के थ्रू करनी पड़ी है कि आप इंतज़ार पंजोता साहब की बाजाबी के लिए जो वादा आपने किया उसको जो है वो निभाएं और हमें हमारे भाई तक जो है एक्सेस दी जाए, और उनके अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम हैं तो अब बहुत हो गया, तकरीबन 4 हफ्ते होने वाले हैं उनका कोई वेयर अबाउट का पता नहीं है। इंतज़ार साहब की वेयर अबाउट्स के बारे में उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके वालदैन, उनके भाई, हम दोस्त सारे बहुत परेशान हैं और हम ये गवर्नमेंट से, इस रियासत से उम्मीद ना होने के बावजूद हम ये दरख्वास्त ज़रूर करते हैं कि इंतज़ार पंजोता की राय के लिए करें। और बार कौंसिल और बार एसोसिएशन को मैं बिल्कुल ये मुल्तमस हूँ कि आप अपना रोल अदा करें, इस तरह से चुप रहे तो दिन दहाड़े दारुल हुकूमतों से वकीलों का अगवा होना और फिर उनका जबरी गुमशुदा कर देना चाहे उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार कर देना, यह इंतहाई ज़्यादती की बात है और इसमें हर कोई अपना रोल अदा करेगा।